हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा खुश रखें, आबाद रखें हम सबको। चलें जी, इसी के साथ शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज हम बना रहे हैं आलू कीमा। इसके लिए हमें चाहिए 3 अदद प्याज, 1 अदद टमाटर, 3 अदद सब्ज़ मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, सुरख मिर्ची, हल्दी, नमक। इसी के साथ ये बड़ी इलायची चाहिए हमें, ये दालचीनी चाहिए, ये हमारे पास 1 किलो कीमा है जो मैंने धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, ये आलू है हमारे पास आधा किलो। चलें शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए एक प्रेशर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें कीमा डाल दूंगी। ये मेरे पास 1 kg कीमा है। साथ में इसके प्याज डाल दूंगी। इसी के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे हम, ये 1 टेबल स्पून सुरख मिर्ची, 1 टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक, बड़ी इलायची 1 अदद, दालचीनी के टुकड़े, ये टमाटर है 1 अदद, बड़े साइज़ का था वो मैंने 1 ही डाला है। इसी के साथ हम पानी ऐड कर देंगे। ये तकरीबन मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ इसमें। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए टाइम पे रख देंगे। देखें व्यूअर्स, ये 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं प्रेशर खोल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए व्यूवर्स, ये हमारा कीमा और जो मसाला था सारा वो बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसका पानी खुश कर लेंगे। देखिए व्यूवर्स, ये पानी खुश हो चुका है। अब हम इसमें देसी घी डाल रहे हैं। आप चाहें तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप मेरी माने तो देसी घी डालें, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा कीमा बन चुका है। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। माशाल्लाह से देखें घी का कलर कितना प्यारा सा हो गया। अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना। देखिए व्यूअर्स, ये बहुत अच्छी तरह से हमने भून लिया कीमे को। अच्छी तरह से भूनने से ये होता है कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। अब हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। ये तकरीबन 2 गिलास पानी डाल रही हूँ मैं इसमें। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम इसको छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तब तक आलू जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। देखें व्यूवर्स, ये मैं इसमें खुश्क धनिया डाल रही हूँ। ये ज़ीरा पाउडर है। इसी के साथ हम सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे इसमें।
देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह से ये कितना प्यारा सा हमारा सालन रेडी हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको पसंद आए तो हमें ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।